झारखंड की राजधानी रांची के हाई कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस ए के सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की बेल पर सुनवाई हुई और उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इस बारे में हमारे संवाददाता ने बातचीत की लालू की वकील से। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फॉर्डर स्कैम के एक मामले यानी देवघर कोषागार से एक्सेस विड्रॉल के मामले में बेल मिल गया है। उनके जो एडवोकेट है वो हमारे साथ हैं, प्रभात कुमार जी, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये जो बेल मिला है, हाफ सेंटेंस आपने पूरा कर लिया था, और क्या क्या वहाँ पे बातें हुई, किस कंडीशन पे ये बेल मिला? नहीं, जैसे अदर अपेलेंट को जो है हाफ सेंटेंस पर कई एक अपेलेंट को इस माननीय न्यायालय ने बेल दिया था, हमारा भी वो कंडीशन फुलफिल हो गया था, तो हमने भी इसमें जमानत अर्जी फाइल की और करीब इसमें 3.5 साल की सजा हुई है जिसमें हम 26 महीना जेल में रह चुके थे, तो उस ग्राउंड को कोर्ट ने मानते हुए हमको भी बेल ग्रांट किया। ये दो बेल बॉन्ड भी भरना पड़ेगा? हाँ, वो तो सभी के में रहता है, 50,000 टू सिक्योरिटीज के साथ बेल बॉन्ड जमा करना। अच्छा, वो पासपोर्ट का भी है? तो पासपोर्ट का था, तो हमने कोर्ट को बताया कि हमारे पास आज के डेट में कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं है, जो पासपोर्ट था हमने जमा कर दिया था, वो एक्सपायर हो चुका है। सीबीआई ने ये अपील किया था कि इनका जो क्वांटम उसको और बढ़ाया जाता है, उस पर भी कुछ बोला? नहीं, अभी तो उस पर कुछ नहीं हुआ, अभी तो नोटिस भी नहीं हुआ है, न एडमिट हुआ है। अच्छा, ये कितनी बड़ी राहत है, और कौन कौन से मामले अब बचते हैं जिसमें आप लोग को बेल सीक करना है, ये हमारे दर्शक जानना भी चाहिए। हमारे पास अब दो केस में रह गए हैं, एक RC 68A 96 और दुमका कोषागार में जो है दो मामले। तो कितना रेस्पाइट, कितना रिलीफ, वो निकल पाएंगे? अभी आप तो नहीं निकल पाएंगे क्योंकि दो में आपको बेल सीख करना है। हाँ, अभी दो में बाकी, इसलिए तो जेल से तो नहीं निकल पाएंगे, पर एक राहत है कि एक केस कम हुआ हम पे, 33% आपको? हाँ, 33% कम हुआ है, और बाकी में हाफ सेंटेंस होने पर हम लोग फिर अर्जी फाइल करेंगे। और साथ में हमारे साथ इरफान अंसारी भी है जो खुद को जो है लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र बताते हैं, इनसे भी बात करते हैं। कितनी बड़ी राहत, आप पहले अपना परिचय दीजिए। नाम है मोहम्मद इरफान अहमद अंसारी, सन ऑफ श्री लालू प्रसाद यादव। तो कितना खुश हैं, एक केस में जमानत जरूर मिल गया। भगवान का घर में देर है, अंधेर नहीं है। मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि आगे भी हम लोग को बेल मिलेगी। जल्दी साहब निकले, जल्द से जल्द साहब, ऊपर वाला से, अल्लाह से और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो बाहर निकलेंगे। तो जाहिर तौर पे जो उनके सपोर्टर्स हैं उस कैंप में खुशी की लहर है कि कम से कम एक मामले में लालू प्रसाद यादव को बेल जरूर मिल गया है। हालांकि लालू अब भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि अब भी दो मामलों में उनकी बेल याचिका लंबित है। रांची से सत्यजीत कुमार, बिहार तक।